Bismillahirrahmanirrahim. It is SM Hassan Raza from mathhimath.com. Let's start with question number 5 and fourth part of exercise number 2.6. The statement of the question is z is equal to 4 minus 3 iota over 2 plus 4 iota. इसको हमने सॉल्व करना है, यानी यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में एक्चुअली z और z कंजुगेट, फिर z प्लस z कंजुगेट, z माइनस z कंजुगेट और z इनटू z कंजुगेट, ये हमने कैलकुलेट करने हैं। तो इनकी कैलकुलेशंस पहले, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे इस z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 iota में यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर iota की वैल्यू है। तो इस डिनोमिनेटर में से अयोटा को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो हम इसे रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइजेशन का तरीका अगर कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे हम इस डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेते हैं। कंजुगेट इसका है 2 माइनस 4 अयोटा, तो 2 माइनस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। देखें, अगर आप इसे मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इस स्टेप में सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुई है, मल्टीप्लिकेशन कुछ इस अंदाज में हुई है कि यहाँ पे ये 4 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 इस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये 3 अयोटा 2 से मल्टीप्लाई हुआ और 3 अयोटा इस माइनस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। चलें इसे यहाँ पे देखते हैं, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 माइनस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस 3 अयोटा 2 से मल्टीप्लाई हो गए, फिर ये माइनस 3 अयोटा माइनस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। जब a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई होते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सो इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्केयर माइनस 4 आयोटा का स्केयर। अब यहाँ पे 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 4 16 आयोटा, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 16 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 3 6 आयोटा, जो कि ये भी माइनस में आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस, माइनस और माइनस प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 आयोटा स्क्वायर ओवर यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 आ गया और माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारे पास आ गया 8 16 और माइनस 6, माइनस 16 माइनस 6 माइनस 22 आयोटा, और साथ में यहाँ पे 12 इंटू ये आयोटा स्केयर इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये हमारे पास माइनस 12 आ जाएगा यहाँ पे। और बिल्कुल इसी तरह से 16 के साथ जो आयोटा स्केयर है इसकी जगह पे ही हम माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 20। और यहाँ पे 8 माइनस 12 ये हमारे पास माइनस 4 माइनस 20, बिल्कुल इसके साथ माइनस 22 आयोटा। तो हमारे पास अब z की वैल्यू जो है ये आ जाएगी माइनस 4 ओवर 20 और माइनस 22, यानी ये माइनस 22 ओवर 20, पहले माइनस 4 ओवर 20 आएगा फिर माइनस 22 ओवर 20 इंटू आयोटा। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, यानी थोड़ी कटिंग शटिंग की, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और 20 कट हुए माइनस 1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 आयोटा। सो ये अब हमारे पास इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने के बाद अब हमारे पास z की वो वैल्यू आ गई। तो इसके अंदर हम सिंपल z का कंजुगेट लेते हैं, z का कंजुगेट क्या आएगा माइनस 1 ओवर 5, तो इसी तरह से आ जाएगा। अब आयोटा के साथ जो भी साइन होगा ये चेंज हो जाएगा, तो ये है माइनस 11 ओवर 10 आयोटा, ये आ जाएगा प्लस 11 ओवर 10 आयोटा। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में z प्लस z बार लेना है, तो z प्लस z बार कुछ इस तरह से आएगा कि ये हमारे पास, यानी इतनी सारी चीज़ हमारे पास, ये हमारे पास z आ गया
और बिल्कुल इसके साथ हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास z बार आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये माइनस वन ओवर फाइव माइनस अलेवन ओवर टेन अयोटा, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस वन ओवर फाइव, और ये प्लस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही आ जाएगा, यानी 11 ओवर 10 इंटू अयोटा। यहाँ पे प्लस 11 ओवर 10 अयोटा और माइनस 11 ओवर 10 अयोटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास z प्लस z बार माइनस 1 ओवर 5 एंड माइनस 1 ओवर 5, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 5 ही एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास z प्लस z बार इज इक्वल विल बी इक्वल टू माइनस 2 ओवर 5। अब बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि हमने एडिशन की है, अब हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, यानी z माइनस z बार हमने कैलकुलेट किया, z की ये वैल्यू आ गई, z बार की ये वैल्यू आई, दोनों को जस्ट हमने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्शन में कुछ हुआ इस तरह से कि माइनस 1 ओवर 5 इसी तरह आया, माइनस 11 ओवर 10 अयोटा इसी तरह से आ गया, माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 1 ओवर 5 आ जाएगा, माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 11 ओवर 10 इंटू अयोटा आ जाएगा। अब ये माइनस 1 ओवर 5 और प्लस 1 ओवर 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास माइनस 11 अयोटा ओवर 10 माइनस 11 अयोटा ओवर 10, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 10 एलसीएम आया, माइनस 11 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू माइनस 22 अयोटा ओवर 10। अब इन दोनों को हमने कैंसिल आउट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 11 अयोटा ओवर 5, ये हमारे पास z माइनस z बार आ गया। अब लास्ट जो हमने कैलकुलेशन करनी है वो कुछ ये है कि z मल्टीप्लाइड बाय z डैश, तो ये हमारे पास z इंटू z बार, यानी z और z बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास z की वैल्यू है, ये z बार की वैल्यू है, ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अब आप अगर इस चीज़ को ज़रा थोड़ा गौर से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ है माइनस वन ओवर फाइव, यहाँ भी माइनस वन ओवर फाइव है, यहाँ है माइनस 11 ओवर 10 अयोटा, यहाँ है प्लस 11 ओवर 10 अयोटा। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये है ए माइनस बी, ये है ए प्लस बी, और ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो हमारे पास फार्मूला होता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो हम इस फार्मूले के रूप से लिख सकते हैं माइनस 1 ओवर 5 का होल का स्केयर माइनस माइनस 11 ओवर 10 अयोटा का होल स्केयर। ये बड़ा सिंपल हो गया क्वेश्चन, ये तो हमारे पास माइनस 1 ओवर 5 का होल स्केयर हम लिख सकते हैं, माइनस 1 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 ओवर 5, जैसे एक्स स्केयर है तो एक्स स्केयर को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, इसी तरह से यहाँ पे माइनस 11 ओवर 10 अयोटा का स्केयर, इसको हम लिख सकते हैं देखें सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस का स्केयर ये तो प्लस आ गया, माइनस का स्केयर का ये मतलब है कि माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो यहाँ पे बाकी रह गया 11 ओवर 10 अयोटा, तो ये आ गया 11 ओवर 10 अयोटा मल्टीप्लाइड बाय 11 ओवर 10 अयोटा दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास आ गया 1 ओवर 25 माइनस, ये हमारे पास आया 11 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू 121 ओवर 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 100, साथ में हमारे पास अयोटा इंटू अयोटा दैट इज इक्वल टू अयोटा स्केयर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास 1 ओवर 25 माइनस 121 ओवर 100, साथ में अयोटा स्केयर की वैल्यू है माइनस 1, ये माइनस इस माइनस को प्लस में चेंज कर देगा, सिंपल। अब इन दोनों को हम एलसीएम ले लेते हैं, ये हमारे पास 100 है तो 100 को 25 पर डिवाइड किया 4 आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ 4 आ जाएगा, साथ में यहाँ पे हमारे पास 121 इसी तरह रह जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 को
इस 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 1 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 121 ही आ जाएगा। 121 और 4 को ऐड अप किया, ये हमारे पास 125 ओवर 100 आ जाएगा। 125 और 100 कैंसिल आउट हुए तो फाइनली हमारे पास ये z into z bar will be equal to 5 over 4। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट वाला पार्ट है ये भी हमने सॉल्व कर दिया। इसमें भी हमने z कंजुगेट, z plus z कंजुगेट, z minus z कंजुगेट, z into z कंजुगेट की वैल्यूज को हमने कैलकुलेट कर दिया, कंप्यूट कर दिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ मैथ.com।